हाँ जी दोस्तों, तो आज आप लोगों के लिए कुछ एयर ड्रॉप्स। और उससे पहले एक माजरत यार, मैं बिल्कुल नहीं आ पा रहा लाइव और बिल्कुल भी कोई वीडियोस नहीं लेकर आ पा रहा आप लोगों के लिए ज्यादा, तो उस हवाले से भाई बहुत ज्यादा माजरत। मगर आज जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एयर ड्रॉप ज्वाइन कराऊंगा लाइन टोकन के नाम से। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग टेलीग्राम पे एक एयर ड्रॉप है उसको ज्वाइन करेंगे, साथ साथ एक टोकन को शेयर करेंगे। उसके अलावा डेली के हिसाब से भाई वीडियोस अब आती रहा करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई आज वीडियो आई तो कल नहीं आई, रोजाना के हिसाब से वीडियोस आएंगी। तो बेफिक्र हो जाओ आप तमाम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइन टोकन से। तो इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये है क्रिप्टो एंटर के नाम से एयर ड्रॉप पे आप लोगों ने सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आप लोगों के सामने एक मेन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली साइन अप मार लो और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग क्या कहते हैं, मतलब कुछ कमाई हो सकती है आप लोगों की अगर आप लोग इसको सिंपल ज्वाइन कर लेते हो तो। उसके बाद दूसरा ये है इनका पेज भाई जो कि एयर ड्रॉप का है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा। आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले वही वाला ईमेल एड्रेस लिखो जिससे आपने साइन अप किया है cryptoenter.com के ऊपर। उस पर वो वाला ईमेल एड्रेस लिखने के बाद अपना ट्विटर का यूजर नेम, उसके बाद ये इनकी एक ट्वीट है इसको लाइक और रीट्वीट मारो, उसका लिंक लिखो, टेलीग्राम यूजर नेम, फेसबुक प्रोफाइल लिंक और उसके बाद रीपोस्ट लिंक, यानी कि जो इन्होंने पोस्ट की हुई है उसको एक दफा रीपोस्ट कर दो किसी ग्रुप में या किसी दोस्त के साथ शेयर करो। करने के बाद उसका लिंक यहां पे लिखो, नेक्स्ट पे क्लिक करो और तमाम डिटेल्स अपनी अपडेट कर दो। सिर्फ इतना सा काम करना है। तो आप लोगों को यहां से ज्यादा नहीं, चलो $15 तो मिल ही जाएंगे। बहुत आसान काम है, जल्द से जल्द इस वाले एयर ड्रॉप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा जो आज का हमारे पास एयर ड्रॉप है वो है एमी पे के नाम से। दोस्तों इस पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सबसे पहले स्टार्ट के ऊपर आके क्लिक करो, उसके बाद अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, उसके बाद आप लोगों ने यहां पे आके अपना टेलीग्राम ट्विटर वगैरह सब कुछ पे इनको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद यहां से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा फायदा हो सकता है। तो लाजमी इस एयर ड्रॉप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल अर्न विद फ्रीडम को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नए आए हो तो हमें सोशल मीडिया पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, उसके भी लिंक्स आप लोगों को यहां से डायरेक्टली मिल जाएंगे। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं सबसे पहले मार्केट की एक्टिविटीज, मार्केट इस वक्त क्या कह रही है। दोस्तों सबसे पहले तो BTC जो है इस वक्त एक ह्यूज पंप जो है वो लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है बिल्कुल, यानी कि इस वक्त इसका जो जहाज है वो भाई रनवे के ऊपर खड़ा हुआ है, किसी भी टाइम जो है ये टेक ऑफ कर सकता है। कोई 12,000 प्लस में तो आसानी से जाए, मतलब वहां पे तो पहुंचा हुआ है ना। मगर जो इस वक्त इसकी प्रेडिक्शंस आ रही हैं अबाउट 16,000 से 17,000 डॉलर के करीब आ रही हैं, तो एक अच्छा पंप आपको BTC में देखने को मिल सकता है। मगर उसकी वजह से जो दूसरा काम होगा वो ये होगा कि ऑल द मार्केट, जितनी भी मार्केट है आपकी बकाया क्रिप्टो की, वो इस वक्त थोड़ी सी, मतलब आप ये कह सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% या कोई 50%, ठीक है ना, इतना हुआ तो बड़ा काम खराब होगा हमारे लिए, मगर कुछ कुछ परसेंट आप ये कह सकते हो 15% या 20% बाकी आल्ट कॉइन्स जो हैं ये नीचे जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इसको हम लोग ब्लड बाथ भी कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि भाई ये जो बाकी कॉइन्स है उनसे लोग पैसा निकाल निकाल के BTC के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो उससे क्या होगा कि उन जो कॉइन्स है, ये जितना कि मैं आपको दिखाता चलता हूं, मिसाल के तौर पर पोलका डॉट, चेन लिंक वगैरह, EOS, मोनेरो, ट्रॉन, ये सारे कॉइन्स जो है ये लोग डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे जाएंगे। जब जब BTC की प्राइस ऊपर जाती है तब तब ऐसा होता है कि मतलब जो बड़े ट्रेडर्स जिनको हम वेल्स भी कहते हैं वो क्या करते हैं कि अपना पैसा जो कि आल्ट कॉइन्स में लगाया होता है उसको आल्ट कॉइन से निकालते हैं, और जो ही वो अपना पैसा बाहर निकालते हैं किसी भी आल्ट कॉइन से, फॉर एग्जाम्पल ट्रॉन ही, ट्रॉन एक बहुत बड़ा मतलब एक प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी वेल ने कोई $2 मिलियन अगर ट्रॉन में लगाया हुआ है, वो एकदम से अपना $2 मिलियन निकाल के BTC में लगाते हैं, तो BTC तो पंप करेगा बहुत थोड़ा सा, बहुत स्लाइटली सा, मगर ट्रॉन जो है वो काफी ज्यादा नीचे आएगा। तो ये सिंपल इसी तरह ही मिसाल है कि भाई इस वक्त जो लोग हैं ज्यादातर पैसा जो है BTC में लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली BTC एक ह्यूज पंप लेता हुआ नजर आ रहा है यहां पे। तो उसकी वजह से आप आल्ट कॉइन्स के अंदर अगर ट्रेडिंग करते हो तो जो इस वक्त बेहतर है ऑप्शन वो ये है कि आप अपने आल्ट कॉइन्स को इस पर ट्रांसफर कर लो USDT में, ताकि कुछ अरसे के लिए, ताकि जब तक ये BTC ने पंप करना है या BTC में आप अपने जो आल्ट कॉइन्स है उनके पैसों को ले आओ, ताकि आप लोग भी कुछ ना कुछ मुनाफा यहां से कमा सको। खैर आज के जो हमारा टोकन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, यह है फैक्ट के नाम से। तो दोस्तों इसकी मैंने 2-3 वीडियोस पहले में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, मगर इट्स द लास्ट कॉल फॉर द फैक्ट। मैं आपको ये क्लियर कट बता देता हूं, मैं ये इसके बारे में मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ये है अपना fact.finance के नाम से, ये इसकी मुकम्मल सप्लाई है, आप लोग चाहो तो खुद भी देख सकते हो। 29 लाख के करीब करीब इसकी मुकम्मल सप्लाई है। तो इस टोकन के ऊपर जाने के चांसेस बड़े नजर आ रहे हैं।
उसकी रीजन क्या है? अभी अब आप ये मुझे दो तीन लफ्ज कहोगे, अबे यार इसका वॉल्यूम तो चेक कर ले, 9,000 वॉल्यूम है सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का, तो ये कैसे ऊपर जाएगा? भाई अब कैसे जाएगा ऊपर, इसका मैं आपको वजह बताता हूँ। इनका जो तरीका वारदात है ना, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बिल्कुल इस वक्त मैं मानता हूँ कि वॉल्यूम ना होने के बराबर है, बिल्कुल ही, हॉटबिट के ऊपर भी, यूनी स्वैप के ऊपर भी, बट टीम इस पर डेवलपमेंट पर काम कर रही है। और जो आइडिया है, मतलब कि जो आइडिया आपका फार्मिंग कॉइन्स का या आप स्टेकिंग कॉइन्स का, जिस तरह आजकल बहुत ज्यादा एक काम चल रहा है अभी, स्टेकिंग, लैंडिंग और उसके अलावा स्वैपिंग, इस तरह के काम, इस वक्त हर एक नया प्रोजेक्ट डेली के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। फाइनेंसिंग मतलब एक चीज है ना कि, मतलब किस तरह समझाऊं यार आप लोगों को, हाँ अच्छा, मतलब इस तरह हो रहा है कि यार शाहरुख खान ठीक है अच्छा था ना, उसी तरह हर बंदे ने अपने नाम से खान 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 लगाना शुरू कर दिया, सेम लाइक दैट, कि वो YFI एक अच्छा चला ठीक है ना, यर्न फिनांस के नाम से, उसी तरह ये डेली होता है यर्न फिनांस प्रोटोकॉल ठीक है, अपना यर्न फिनांस, ये अपना शुरूम फिनांस ठीक है जी, फलाना फिनांस, इस तरह आ रहा है ठीक है। तो सेम लाइक दिस के फैक्ट फिनांस, इसको छोड़ दो फिनांस के नाम को, बट द थिंग इज दिस कि इस टोकन का जो फाइनेंसिंग का ये जो चक्कर है ना सारा का कुछ, इसमें एक नई चीज जो मुझे नजर आ रही है इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर, वो ये नजर आ रही है फैक्ट फाइनेंस के अंदर कि भाई ये लोग जो है 0% इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जो 0% इंटरेस्ट ले रहे हैं लेंडिंग का, उससे क्या होगा कि भाई डेफिनेटली जो बड़ा ट्रेडर है, जिस मैं तो बिल्कुल स्टेकिंग के जो जो भी चक्कर होते हैं उसमें जाता ही नहीं हूं, बट द थिंग इज दिस, आजकल स्टेकिंग जो है बहुत ज्यादा बूम के ऊपर जा रही है कि भाई हर रोज के हिसाब से स्टेकिंग स्टेकिंग स्टेकिंग, कि भाई अपने ये टोकन हमसे खरीदो, ये तो ये हिसाब है ना कि एक दुकान से पहले जी चावल खरीदे 1 किलो, वो कहेगा भाई ये 1 किलो आप मेरे पास रखवाओ तो हर रोज मैं आपको 1 पाव चावल फ्री में देता जाऊंगा। तो सेम लाइक दिस कॉइन्स में भी ये हो रहा है कि भाई पहले हमसे $1,000 के कॉइन्स खरीदो, उसके बाद वही कॉइन्स हमारे पास स्टेक करो, तो उसके बदले आपको मैं रोजाना के हिसाब से कोई $100 देता जाऊंगा। मिसाल एक के तौर पे, ऐसा कोई भी नहीं दे रहा $100, मगर मैं वैसे सिर्फ बता रहा हूं कि इस तरह का आजकल, इसे कहते हैं स्टेकिंग और लैंडिंग का सारा ड्रामा ठीक है। तो अब इसमें फैक्ट वाले जो हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, लोन्स भी दे रहे हैं और 0% इंटरेस्ट के साथ, तो उस हवाले से जो बड़ा ट्रेडर है वो डेफिनेटली इसकी तरफ आजकल काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इस कॉइन की प्राइस ज्यादा नहीं, एटलीस्ट मैं, मेरा जो अपना एक आइडिया है, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं कहूंगा मगर नॉर्मल सा, बल्कि बहुत बुरा सा, मगर मेरा आइडिया यह है कि अबाउट दिस टोकन विल रीच अप टू, मतलब आराम से कोई $15-16 पे तो जाएगा ही जाएगा। तो लाजमी इसको एक दो देख लेना, अगर पसंद आए, मैं कभी किसी को ये नहीं कहूंगा भाई जरूर खरीदो, मतलब खरीदो या ना खरीदो, मगर अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको जरूर बाय कर लीजिएगा, थोड़ा सा बाय करके अपने पास रख लो, शायद आप लोगों को फ्यूचर में कुछ अच्छा फायदा मिल जाए इस टोकन के जरिए। तो ये थी आज की वीडियो, और बहुत ही जल्द बहुत ही शानदार किस्म की कुछ एयर ड्रॉप्स वीडियोस की लेकर आ रहा हूं, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए कुछ अपडेट्स भी लेकर आ रहा हूं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे नॉन फंजिबल टोकन्स को, कि भाई नॉन फंजिबल टोकन्स क्या बला है, कैसे कैसे काम करते हैं, और कौन कौन से नॉन फंजिबल टोकन इस वक्त मार्केट में मौजूद है, और आया उनसे आपको कुछ फायदा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया।